ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विश्व के कई देशों ने अपने सेंटर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही इंडिया की कई प्रमुख कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं। खबर मध्य प्रदेश के विशेष संवाददाता योगेश राठौर ने वहां का दौरा किया और कंपनी प्रतिनिधियों से चर्चा की। दो दिन इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है और नरेंद्र मोदी के वर्चुअल भाषण के बाद में अब जो डेलीगेट्स आए हैं, जो अतिथि आए हैं, जो उद्योगपति आए हैं, उनका उद्बोधन होना है। ये हम जहाँ खड़े हैं, ये है विश्व के जो अन्य देश हैं, उन्होंने अपने सेंटर्स स्थापित किए यहाँ पर, उनके सेंटर्स हैं, और किस तरह का उनके देश का इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो, और किस तरह से उनके देश की खासियत है वो इस सेंटर्स पर बताया जा रहा है। इसके पीछे जो भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो हम आज जानेंगे कि कहाँ किस तरह के कितने स्टॉल्स लगे हैं, कितने सेंटर्स बनाए हैं। इंदौर की बात करें तो नगर निगम ने इंदौर का अपना जो डिस्प्ले किया है, नगर निगम इंदौर ने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि इंदौर का एक बहुत सुंदर स्टॉल दिखाई दे रहा है, और जो भारत की सबसे नंबर वन क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है, जो वो उसके सारे जो यहाँ पर डिस्प्ले दिखाए गए, किस तरह से कितने साल किस किस साल किस किस तरह के अवार्ड मिले हैं, इंदौर किस तरह से खाने में फेमस है, किस तरह से क्लीन सिटी जो है वो किस तरह से बनी है, लोगों के जो खुद के संकल्प से शहर इंदौर हुआ है। इसके पीछे हम चलेंगे तो जो है काट तो यार वो वॉक थ्रू में प्रवेश द्वार पर नगर निगम के सेंटर के बाद में इस तरफ जो है विश्व के जो प्रमुख देश है उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए हैं, और जो अपने देश की खासियत है, जो अपने देश की खूबियाँ हैं, जो देश की उनकी पहचान कायम रखने में जो प्रमुख बातें हैं वो यहाँ पर हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं या जो NRIs अन्य देशों से आ रहे थे उनको समझा रहा जा रहा है। भारतीय जो है विदेशों से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है बिज़नेस पर्पज़ से या एकेडमिक पर्पज़ से, किस तरह से बेहतर हो सकता है ये यहाँ पर बताया जा रहा। आप देख सकते हैं ये है रिपब्लिक ऑफ पनामा का सेंटर, और रिपब्लिक ऑफ पनामा के सेंटर में है जो भारतीयों को की जो जिज्ञासा है, जो उनके क्योरीज हैं उनको बताया जा रहा है। इस तरफ हम जाएँ तो एक मीटिंग टेबल बनाई गई, जो अन्य जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये जो स्टार्टअप जो शुरू कर रहे हैं, जो उन लोगों को अपने देश के बारे में बता रही, रिपब्लिक ऑफ पनामा का सेंटर है। इस तरह से कई देश हैं जिन्होंने अपने सेंटर्स बनाए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इंडिया बांग्लादेश जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सेंटर है, उसके पीछे आप जाएंगे तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सॉल्विक रिपब्लिक का सेंटर है। इस तरह से ये मेरे दाएँ अगर देखेंगे तो मालदीव्स का सेंटर है। सभी देशों ने अपने प्रमुख जो देश है, जो भारत से गहरी मित्रता है जिनकी, जो नरेंद्र मोदी को एक आइडियल लीडर मानते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपने सेंटर्स बनाए हैं, और भारत को बेहतर जो सुविधाएं मिल सके, बेहतर मित्रता बन सके, इसका प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है। मेरे इस स्टॉल डोम के पीछे ठीक पीछे जो अन्य जो भारत के जो उत्पाद प्रदर्शित किए गए प्रमुख कंपनियां हैं, जो उन्होंने अपने डिस्प्ले लगाए हुए हैं, जो देश भर में जो अपना परचम लहरा रही हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं प्रमुख, जो इंदौर के भी कई सारे स्टॉल्स लगे हैं जो देश इंदौर का नाम रोशन करते हैं, नमकीन के स्टॉल्स लगे हैं, ज्वेलरी कटिंग के स्टॉल्स लगे हैं। तो ये भी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये इस तरह मेरे दाई और अफ्रीकन कंट्री का स्टॉल है, और अफ्रीकन कंट्री ने अपने स्टॉल सेंटर में अंदर अपने उनके हिंदू धर्म की जो वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से जितने भी भारत के साथ में मित्रता वाले जितने भी देश हैं उन्होंने यहाँ अपने सेंटर्स बनाए हैं, और डेलीगेट्स को भारतीयों को अपने देश की संस्कृति, अपने देश के परंपराएं और अपने देश की जो इकोनॉमी के बारे में पूरी तरह से वो समझा रहे हैं। इस तरफ कनाडा का जो सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर थाईलैंड का सेंटर बना हुआ है, ये EU चैम्बर्स का सेंटर बना है। इस तरह से कई देशों ने अपने सेंटर्स स्थापित किए हैं ताकि जो भारतीय हैं वो उनके देश को और नज़दीक से जान सके और करीब से समझ सके। अब हम चलते हैं अंदर कमर्शियल डोम में, जहाँ पर जो
उत्पाद हैं जो भारत के जो प्रमुख कंपनीज हैं उन्होंने अपने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये बहुत सुंदर वुडन पूरा दिख रहा है स्टॉल, बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है। सिग्निफाई RBT स्टॉल्स है और ये एक प्रोडक्ट रेंज है जो वुडन की प्रोडक्ट रेंज होती है जो इंटीरियर में बहुत यूज़फुल होती है। तो ये बहुत सुंदरता से इन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। अब अंदर हम चलते हैं तो ताकि देखें समझे कि किस तरह से भारत के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से एग्जिबिट की गई है, किस तरह से उन्होंने अपना जो उत्पाद है वो प्रदर्शित किया है। अभी सेशन चल रहा है, इनॉग्रेल सेशन चल रहा है, तो अभी कई सारे डेलीगेट्स अभी अंदर ही है, लेकिन काफ़ी संख्या में डेलीगेट्स इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं भारत की इंडस्ट्री को, भारत की इकोनॉमी को। तो हम अंदर आ चुके हैं और अंदर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मेरे बाईं ओर है रीवा का एक ऊर्जा विभाग का नवीन एवं नवनीकरण ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन का एक फ्लोटिंग सौर परियोजना है जो ओंकारेश्वर में लॉन्च होने वाली है। इसकी किस तरह से खासियत है जो मेरे साथ में एक हमारे साथी हैं उनसे हम बात करेंगे। अब इस तरह से हम बताएं तो थोड़ा सा हम एक ब्रीफ करेंगे। ये न्यूज डील फैशन वियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने क्लॉथ्स का स्टॉल्स लगाए हैं। टेक्सटाइल्स जो है ये जो डोम है ये वाला जो सेक्टर ये टेक्सटाइल्स कंपनीज ने अपने डिस्प्ले लगाए हुए हैं। कई बड़ी कंपनी वर्धमान जो है उन्होंने अपना एक डिस्प्ले लगाया हुआ है और आगे इसी तरह के जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो जितने भी कंपनीज है जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने अपने स्टॉल डिस्प्ले किए हुए हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है जो NRIs आए तो उनको भी ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाएं ताकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक इन्वेस्टमेंट आए और कहीं ना कहीं ये बेहतर मील का पत्थर साबित होगा ये उम्मीद की जा रही है। ये कलॉन ने अपना डिस्प्ले लगाया, स्वराज शूटिंग्स लिमिटेड ने अपना स्टॉल्स लगाए हैं। इस तरह से पूरी जो ये डोम है ये पूरा प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले है। इंडस्ट्रीज ने अपने जो जो उत्पाद है वो प्रदर्शित किए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कई कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, कई प्रोडक्ट्स इन्हें एग्जिबिट किए हैं। मेरे दाईं ओर देख सकते हैं आइशर कंपनी ने अपनी एक इलेक्ट्रिक बस यहाँ डिस्प्ले की हुई है और मेरे साथ में कंपनी के मैनेजर पुनीत जी हैं साथ में। पुनीत जी ये किस तरह का प्रोडक्ट है और ये किस तरह की जो बस है इसकी खासियत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि इसी से जुड़ा हो कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी आपसे किसी NRIs ने कांटेक्ट किया और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? एक्चुअली ये कम्प्लीटली EV बस है, ये 32 सीटर बस है और ये एक चार्ज में लगभग 300 किलोमीटर स्टैंडर्ड कंडीशंस में चलती है और जो सिटी ट्रैफिक है विद AC उसमें इसकी परफॉर्मेंस 180 किलोमीटर टू 205 किलोमीटर है और टोटल इलेक्ट्रिक बस है। सभी कंपोनेंट इसके स्टेट ऑफ आर्ट कंपोनेंट है, बेस्ट इन क्लास हैं और हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट करके इसकी डीलरशिप ली जा सकती है। काफ़ी क्वेरीज हमें मॉरिशस से और मॉरिशस दुबई और कतर प्लस रशिया से भी मिली है। मनीष जी कई बार ये देखने में आता है कि ई बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ गए हैं मार्केट में लेकिन उनको चार्जिंग के स्टेशन की बहुत कमी दिखी जाती है तो कई जगह ये ड्रॉबैक भी दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि दो तरह के चार्जर्स लगते हैं, जैसे आप फ्लीट ओनर हैं तो इसमें आप ना 180 किलोवाट का चार्जर अपने फ्लीट के हिसाब से लगा सकते हैं, वहाँ चार्जिंग कर सकते हैं। एक चार्जिंग में आपको 200 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक का रन ईजिली मिल सकता है और दूसरा फिर अगर कोई कम बसेस लेता है तो 30 किलोवाट का जो भी चार्जर आता है जो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। पुनीत जी लॉन्ग रूट में अगर बस अगर या व्हीकल जाना चाहे या व्हीकल जाएं तो कितना समय लगेगा भारत में इस तरह के इसको फ्रेंडली होने में, मतलब ई व्हीकल्स को फ्रेंडली होने में, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन हर 200 किलोमीटर पर आपको चार्जिंग करना है, कब तक फ्रेंडली हो पाएगा ये पूरा? देखिए गवर्नमेंट ने तो कंप्लीट टारगेट लिया हुआ है कि 2030 तक कंप्लीट हम EV पे शिफ्ट कर जाएंगे तो आई थिंक बाई 2030 100% मतलब इंडिया EV पर चला जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट इसको बहुत एग्रेसिवली ड्राइव कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है और इंफ्रा भी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। जितने भी आपके मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर
इसका मतलब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो ईवी को प्रेफरेंस दे रही हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ईवी का कि ज़ीरो इमिशन है, आपका कार्बन फुटप्रिंट जीरो है। लाइक अब दिल्ली की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ पर आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पर ईवी बस वरदान है। तो पुनीत जी का कहना है कि आने वाले 2030 तक ई व्हीकल का एक पूरा मैप तैयार किया गया है और 2030 तक गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ई व्हीकल जो है वो पूरी तरह से देश भर में अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने लग जाए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बात करें तो कंपनी से कई लोगों ने कॉन्टेक्ट किए, कई NRIs ने कॉन्टेक्ट किए, इन्वेस्टर्स ने कॉन्टेक्ट किए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आधार पर ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी के हिसाब से भारत को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और जो NRIs है वो भी कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़कर अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं।